एशियाज यंग आईएएस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 2021 एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक दिया है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन वाइज है, मतलब सारे लिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स जैसे है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वो सारे एक साथ दिए हुए। तो ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कम्प्लीट द सेंटेंस। तो इसके सारे सवाल यहाँ एक साथ है और मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर भी लिखा है कि कौन से चैप्टर से, कौन से पेज से ये सवाल उठाया गया है। जैसे अगर आप देखोगे चैप्टर 3 पेज 23 हम टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो ये एक्चुअली एक्सरसाइज का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सरसाइज का ही सवाल है। तो जहाँ एक्सरसाइज के ही सवाल है वहाँ एक्सरसाइज का पेज नंबर दिया है, और जहाँ एक्सरसाइज में ये सवाल नहीं है पर टेक्स्ट बुक में है तो वहाँ टेक्स्ट बुक के कौन से पेज पे है वो चैप्टर में, वो मैंने पेज नंबर यहाँ दिया है। तो आपके लिए रिविजन और कौन से चैप्टर से वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम चैप्टर 3 पेज 23 देखेंगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन है। और ये देखिए हमारे यहाँ पे 6 ऐसे एमसीक्यूज है, ए बी सी डी ई एफ। तो इनमें से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, अमेजोन बेसिन इज मेनली डैश, आंसर है कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। हमें पता है अमेजोन फॉरेस्ट से, डेंस फॉरेस्ट से, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये बाकी के जो 5 है वो भी हमारे क्वेश्चन बैंक में एक्चुअली जंबल्ड है, तो इसलिए हमें ये सब हम देखेंगे, इसलिए एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो मार्च 2019 के बोर्ड पेपर में भी आ चुका है, ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय डैश। तो ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड, माउंटेन ज्यादा ब्राजील में है नहीं, माउंटेन्स और हिल्स, तो आंसर यहाँ पे आएगा हाईलैंड्स। ये देखिए है ना, ये मेन ब्राजीलियन हाईलैंड्स है। फिर लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज, इसका आंसर है एंशियंट प्लेटो। ब्राजील में जैसे माउंटेन्स वगैरह है नहीं, स्नो कैप माउंटेन, हाई माउंटेन्स नहीं आएंगे, तो और इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ज्यादा नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो इंडिया ब्राजील में जो कॉमन है वो एंशियंट प्लेटो, लाइक हमारे पास भी डेक्कन प्लेटो है, ब्राजील में भी ये सब हाईलैंड जो है प्लेटो रीजन है। फिर थर्ड है अमेजॉन बेसिन इज मेनली डैश, तो अमेजॉन बेसिन में क्या है, कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट है ना, ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, तो ये कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट इसका आंसर है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए अमेजॉन बेसिन इज मेनली कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। फिर आगे भी देख ही लेते, तो डी वाला है, अमेजॉन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज आर फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव रीजन में भी है। ये देखियो यहाँ पे अगर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन भी है कि क्यों अमेजॉन में एट द माउथ ऑफ द रिवर देयर आर नो डेल्टाज। तो ये देखिए इसका आंसर दो डेल्टाज ऑफ, क्योंकि अमेजॉन रिवर जो है वो बहुत फास्ट फ्लो होती है, यहाँ से अमेजॉन रिवर ऐसे फ्लो होती है, इतना फास्ट फ्लो होती है कि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, यहाँ पे आइलैंड्स बने, मतलब ऐसे डिसेक्ट होके पूरा ये पानी ड्रेन आउट हो जाता है। स्लो रिवर ड्रेन होगी ना तो डेल्टा बनेगा, तो डेल्टा मतलब सैंड डिपॉजिट है ना, सिलिका डिपॉजिट, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे ये जो है फर्टाइल सॉइल मिलती है। लेकिन यहाँ पे अमेजॉन में ऐसा नहीं है, बहुत रश से फ्लो होता है पानी और ड्रेन आउट हो जाता है, दैट्स व्हाई नो डेल्टाज आर फाउंड। ई है लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर, तो ये कोरल आइलैंड्स है, जो कोरल्स होते हैं, जो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना सिक्रीट करते हैं, अपना शेल सिक्रीट करते हैं, तो वो पूरा कोरल जो है वो रह जाता है उनका, वो एनिमल्स मरते जाते हैं पर वो इतनी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं कि कोरल सिक्रीट कर करके वो इतना पूरा कोरल स्टिफ, मतलब कैल्शियम का ऐसे आइलैंड बन जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो दैट इज कॉल्ड कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स या कोरल आइलैंड्स ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये फैक्ट पता होना चाहिए कि दीज आर कोरल आइलैंड्स। और लास्ट वाला है, तो द फुटहिल्स ऑफ द अरावलीज लाइज, तो ये आंसर है मेवाड़ प्लेटो, अरावलीज के नेक्स्ट मेवाड़ प्लेटो, मैप देखेंगे तो भी क्लियरली दिखेगा। सो दीज आर द 6 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 3, तो हमारे इस लिस्ट में भी है वो, देखिए चैप्टर 3 पेज 23 का एक यहाँ पे देखा हमने, बाकी जो है यहाँ पे देखिए, ये रहा चैप्टर 3 पेज 23 अगेन 7th वाला भी, अमेजॉन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ नो डेल्टा इज फाउंड। और एक है यहाँ पे चैप्टर 3 पेज 23, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, मेनली ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड। और एक है लाइक इंडिया ब्राजील ऑल्सो हैज एंशियंट प्लेटोस, सो ये सब चैप्टर 3 पेज 23 के सवाल है। ये देखिए यहाँ पे भी है ना, ये भी चैप्टर 3 पेज 23, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स एट द फुटहिल्स ऑफ द चैप्टर 2 पेज 23 एंड दिस आल्सो फुटहिल्स ऑफ अरावली इज मेवाड़ प्लेटो इज फाउंड। ये सारे सवाल जो हमने अभी देखे वो सारे इस लिस्ट में भी है, तो टोटल यहाँ पे 24 क्वेश्चंस है, उसमें से हमने ये 6 देख लिए। अभी सेकंड क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी लिस्ट में,
ये देखिए फर्स्ट वाला हमने देखा, सेकंड है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। तो इन चारों में से फील्ड विजिट के लिए क्या यूजफुल नहीं है, तो ये भी हमारे चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही हमारा ये इमेज दिया गया है। हमें नोटबुक, कैमरा, मैप लेके जाना है, रेंजिंग रॉड की जरूरत नहीं है। ये देखिए दीज आर द आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट, नोटबुक लेके जाना है, मैप लेके जाना है, कैमरा लेके जाना है, बाइनोक्यूलर्स है, वाटर बॉटल, बैग, कैप, कंपस, फर्स्ट एड किट, ये सब चाहिए हमें फील्ड विजिट के लिए, पेन पेंसिल, मगर हमें रेंजिंग रॉड की जरूरत नहीं। रेंजिंग रॉड एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज किया जाता है, उसको ऐसे जमीन में एक लंबा स्टिक जैसे होता है उसे डाला जाता है और स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पर हमें स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट फील्ड विजिट में हमें रेंजिंग रॉड की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड है, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑक्यूपेशन। तो ये एट चैप्टर है हमारा, है ना, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन का। तो ये हमारे इसका आंसर आएगा टर्शरी, इसका भी हम देख लेंगे चैप्टर 8 पेज 53 क्या है। ये रहा हमारा चैप्टर 8 और पेज 53 पे देखिए ये हमारे ये जो है पाई चार्ट्स, उसमें क्लियरली हमें दिखता है दिस इज फॉर ब्राजील। तो ब्राजील का ये जो ग्रे कलर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी एंड दिस ऑल्सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन दैट सेक्टर, तो ये है टर्शरी सेक्टर ग्रे में। तो ऑफकोर्स इसका आंसर आएगा कि इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी ऑक्यूपेशन। ये टेक्स्ट बुक का सवाल है, एक्सरसाइज में नहीं है, ये वाला भी सेकंड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस, ऐसे डिफिकल्ट नहीं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको इजीली आंसर्स आ जाएंगे। टर्शरी सेक्टर मतलब भी क्या होता है, हमने चैप्टर में किया है चैप्टर 8 में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी मतलब के एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक फिशिंग एक्सेट्रा, सेकेंडरी मीन्स इंडस्ट्री में वर्क जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शरी मीन्स सर्विसेज, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो टर्शरी सेक्टर होते हैं, है ना, इंजीनियर्स वगैरह जो काम करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर, सो दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। सो द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी ऑक्यूपेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। तो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में हिमालयन फॉरेस्ट है, ये भी हमें मिलेगा चैप्टर 5 पेज 33 पे। तो ये देखिए हम पेज 33 पे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली ये मैप भी है, तो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ये जो कलर है ये कलर किस लिए है देखिए, यहाँ पे दिया है हिमालयन फॉरेस्ट, तो इसका आंसर आएगा हिमालयन फॉरेस्ट। तो एक्चुअली ये हमारा टेक्स्ट बुक का सवाल है, ये एमसीक्यू पीछे एक्सरसाइज में नहीं दिया, तो ये हम मैप रीडिंग से भी बता सकते हैं, इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया हिमालयन फॉरेस्ट आर फाउंड। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्राजील इज फेमस फॉर डैश डांस। ये भी टेक्स्ट बुक सवाल है, बहुत इजी है, चैप्टर 2 पे क्लियरली लिखा है सांबा डांस, सो दिस इज इजी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स डैश इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये हमारे सिक्स्थ चैप्टर से, पॉपुलेशन चैप्टर से, हमें पता है इंडिया इज सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नंबर वन चाइना है, और सून इंडिया विल ओवरटेक चाइना ऑल्सो इन सम ईयर्स, बट प्रेजेंटली इट इज सेकंड, तो ये भी इजी सवाल है। ये हमने ऑलरेडी देखा चैप्टर 3 पेज 23 की के लिए, यहाँ पे अमेजॉन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज आर फाउंड। फिर एथ क्वेश्चन है, एथ क्वेश्चन, इन इंडिया स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवेज इज फाउंड, मतलब के रेलवे नेटवर्क इतना डेंस नहीं है, वो कहाँ पे है, तो ये लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 9 है पेज 65 पे, इसका आंसर राजस्थान है, यहाँ मेंशन भी है, ये भी टेक्स्ट बुक का सवाल है, तो ये देखिए पेज 65 पे नीचे यहाँ लिखा है, ये देखिए ना रेलवेज, तो रेलवे नेटवर्क is relatively less dense in the hill states, northeastern states, central parts of India and Rajasthan. And railway network is dense in north Indian states. So, ये mentioned है यहाँ पे page number 65 पे. तो वो यहाँ पे mention किया हमने chapter 9 page 65 पे. तो answer हमें मिल जाते हैं यहाँ पे Rajasthan. है ना, sparse network of railways is in Rajasthan. और dense network का है north Indian states. फिर next है 9th question. ये है chapter 2 page 13 से. तो हम टेक्स्ट बुक में भी देख लेंगे, देखिए पेज 13 हम देखेंगे यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक में ये सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वो क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए, तो ए है इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, तो ये तो सेकंड चैप्टर का ही है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये कन्याकुमारी इज द मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैपिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ है इंदिरा पॉइंट, तो मैपिंग में भी आपको आना चाहिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे नीचे, ये कन्याकुमारी यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट टिप है मेनलैंड इंडिया का, पेनिनसुला का, लेकिन ये और भी नीचे इंदिरा पॉइंट,
तो ये आंसर पता होना चाहिए। सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है अभी, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर ए बॉर्डर विद ब्राजील, वो है चिली इक्वेडोर। फिर बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो दोनों कंट्रीज में मिलिट्री नहीं है, इंडिया में मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, ब्राजील में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री है, लेकिन दोनों कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो है रिपब्लिक। बोथ द कंट्रीज हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई मोनार्की नहीं है, है ना, मोनार्की डिक्टेटरशिप नहीं है, रिपब्लिक है। तो तीन हुए। फिर डी वाला क्वेश्चन यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील, तो ये तो ब्राजील का मैप देखते ही आप बता सकते हैं कि ये है, यहाँ पे भी हमारा ब्राजील का मैप होगा, ये देखिए ये शेप है ना, यहाँ पे वाटर बॉडी है, तो ये आंसर यहाँ पे इसका यही आएगा फर्स्ट। एंड शेप ऑफ इंडिया, दिस इज द शेप ऑफ इंडिया। हेमिस्फीयर, जहाँ इंडिया है तो इंडिया इज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पर हमारा आंसर जनरली ये नॉर्दर्न होता है, क्योंकि ब्राजील के लिए जो मेनली ब्राजील कहा है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर आता है, क्योंकि इक्वेटर ब्राजील के थ्रू पास होता है, तो थोड़ा पार्ट ब्राजील का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पर मेनली जो है मेनली इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड कम्प्लीटली ब्राजील लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन मेनली है तो इसीलिए हम सदर्न हेमिस्फीयर ही कहेंगे, क्योंकि मेनली वेस्टर्न नहीं है, इट्स कम्प्लीटली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारे 7 सवाल है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज और चैप्टर 2, तो उसमें से पहला हमारा यहाँ आया है ये क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, तो सारे यहाँ पे एक्चुअली कवर हो रहे हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील, इसका आंसर है चिली इक्वेडोर। बोथ द कंट्रीज हैव रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फिर नीचे नेक्स्ट है, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, ये सब हमने अभी कवर किया। फिर चैप्टर 5 का सवाल आता है यहाँ पे, आगे के भी सवाल है एक्चुअली चैप्टर 2 के, आप बाकी देखोगे तो ये देखिए चैप्टर 2 पेज, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड्स, तो ये भी यहाँ पे है, सही है। फिर बाकी जो है ना वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो हमारे मैप के भी सवाल जो है ना ये यहाँ पे है, देखिए ये वाला सवाल, विच पार्ट शोज कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील, तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में भी ये सारे सवाल पूछे गए हैं, बताए गए हैं, तो हम देखेंगे सबको। अभी हम है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ वाला, फिफ्थ चैप्टर से ट्वेल्थ एमसीक्यू है, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज डैश, तो ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आएगा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये एग्जैक्टली लिखा है चैप्टर 5 पेज 33 पे, तो ये देखिए हम जाएंगे पेज 33 पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप, तो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलपिंग टाइप है, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में, ये चैप्टर 9 पेज 53, ये देखिए पेज 53 पे हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है इंडिया एंड ब्राजील आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तो यहाँ हमारा आंसर डेवलपिंग ही आएगा, बैकवर्ड हाईली डेवलप्ड डेवलप नहीं आ सकता, दोनों डेवलपिंग। फिर 14th, नंबर ऑफ फीमेल्स डैश मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो, तो ये हमारा चैप्टर 6 पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, पेज 40, ये देखिए यहाँ सेक्स रेशियो का डेफिनेशन ही दिया है, व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा पर 1000, तो ये सब टेक्स्ट के अंदर से सवाल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, तो ये पता होना इम्पोर्टेंट है। फिर 15th क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय, हमने ऑलरेडी देखा चैप्टर 3 पेज 23 हाइलैंड्स, लाइक इंडिया ब्राजील आल्सो हैज एंशिएंट प्लेटोस, तो आपका डबल रिवीजन हो रहा है। चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अमेज़न बेसिन इज मेनली डैश, तो ये पॉपुलेशन चैप्टर का है, पेज 39 पे हम देखेंगे इसका आंसर है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये नीचे जाएंगे हम यहाँ पे, ये देखिए हमारा सवाल है अमेज़न बेसिन इज मेनली, तो यहाँ अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट आएगा, ये देखिए यहाँ लिखा है अनफेवरेबल, वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड सेटलमेंट्स आर इन ओनली फ्यू प्लेसेस, इट्स अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये हमारा एक्चुअली टेक्स्ट बुक बेस्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पे इजीली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, अमेज़न बेसिन में इतना फॉरेस्ट है तो इट्स नॉट फर्टाइल, इट्स नॉट ड्रॉट प्रोन, तो इक्वेटोरियल रीजन में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स, क्वेश्चन 18।
फिर ये भी हम देख चुके हैं, एट द फुटहिल्स ऑफ द अरावलीज, कहाँ गया, एट द फुटहिल्स ऑफ अरावलीज मेवार प्लेटो इज फाउंड। उसके बाद ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। तो सेटलमेंट कोई भी जगह पे, ये चैप्टर 8 का है, ह्यूमन सेटलमेंट्स का क्वेश्चन। ह्यूमन सेटलमेंट के किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मेन फैक्टर क्या है, तो ये तो आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 8 पेज 51, ये देखिए। तो ये हमारा चैप्टर 8, यहाँ देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स। तो मेन क्या है उसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, तो इट इज डिस्पर्स सेटलमेंट्स। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बोले, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड, तो ये हमारा हो जाता है अमेजोन बेसिन और डॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन, तो यहाँ पे डिस्पर्स पॉपुलेशन है। फिर ना, तो दो टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स, मेनली हमारे चैप्टर में जो है। तो न्यूक्लिएटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन छोटी सी जगह में है, और डिस्पर्स मतलब दूर दूर फैला हुआ, इतना कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन भी है, हम देखेंगे ब्राजील का मैप भी, तो ये रीजन ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे ये डिस्पर्स सेटलमेंट है। देन वेर यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स इन इंडिया, तो रिवर्स के पास तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब न्यूक्लिएटेड होगा। ट्रांसपोर्ट रूट भी जहाँ होगी वहाँ न्यूक्लिएटेड, इंडस्ट्रीज होगी तो भी न्यूक्लिएटेड, हिली एरियाज में डिस्पर्स होगा, इसका आंसर ये है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली, तो उसका रीजन क्या है, वहाँ पे कल्टिवेबल लैंड है। एंड ये लास्ट वाला और एक है, ई विच स्टेट हैज द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राजील, ये मैंने स्टार भी मार्क किया था जब हमने ये चैप्टर कवर किया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज 5 जो है इस चैप्टर के, वो हमारे इस लिस्ट में भी आएंगे। यहाँ पे पहला वाला आया है ना, इसका आंसर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया, हिली एरियाज, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा ये सेकंड, 22nd, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ कल्टिवेबल लैंड। फिर ये नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील डिस्पर्स सेटलमेंट, ये सब अभी हमने किया है, सब सेम 5 क्वेश्चंस उसी चैप्टर से, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट भी पारा है। तो ये सारे 24 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें यहाँ मिल गए, ये चैप्टर 8 के एमसीक्यूज थे 5। तो अगर आपने ये 24 एमसीक्यूज एक बार समझ लिए, याद कर लिए, तो बहुत इजीली आप बोर्ड में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, इजीली रिकलेक्ट कर पाओगे। सो आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, 24 एमसीक्यूज हुए। और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में है। अब ये नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बाद, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, उसी लाइंस पे, पर यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं है, 3 ऑप्शंस है। तो ये देखिए, इसका पहला वाला सवाल है, ये चैप्टर 3 से पेज 23 पे ही हमें मिलेगा, ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। सो हमारे टेक्स्ट बुक पे पेज 23 हम देखेंगे, तो ये देखो यहाँ पे, तो यह आंसर आएगा, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट कैसे होता है ब्राजील का जो फिजियोग्राफिक यूनिट है, सबसे ऊपर नॉर्थ वेस्ट में गुयाना हाइलैंड्स, फिर अमेजोन रिवर बेसिन, फिर ब्राजीलियन हाइलैंड्स। ये वन मैप से हमें क्लियरली दिखता है, ये देख, गुयाना हाइलैंड्स, फिर अमेजोन रिवर बेसिन और फिर ब्राजीलियन हाइलैंड्स, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग, तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स ऑफ ब्राजील कौन सी है, ये आंसर है जिरिको, जिंगो और अरागुआ। ये भी हम मैप से देख सकते हैं, ये देखिए हमारा मैप यहीं पे है, ब्राजील की जो रिवर्स है उसका मैप, ये रहा, ये देखिए नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है, जुराकु, जिंगू, अरागुआ, इवन टोकैंटेस, तो ये सारी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। फिर सी है द ऑर्डर ऑफ प्लेटोज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे से ऊपर, तो ये भी हमारा पेज 24 पे ही है इसका आंसर, इसका मैप, इधर आंसर है कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। तो ये देखिए हमारा पेज देखेंगे हम, ये मैप, तो यहाँ पे देखिए ये महाराष्ट्र प्लेटो है, ये डेक्कन प्लेटो, यहाँ पे कर्नाटका प्लेटो, नीचे ये तेलंगाना प्लेटो यहीं पे, तो महाराष्ट्र तेलंगाना प्लेटो बाजू बाजू में, और ये मालवा प्लेटो, मेवाड़ प्लेटो यहाँ है, बुंदेलखंड यहाँ है, तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, दिस इज क्लियरली द आंसर। तो यही है हमारा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से देखिए, साउथ टू नॉर्थ है तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें नॉर्थ टू साउथ पूछ रहे हैं, ये अभी हम देखेंगे। इसका आंसर तो सेम सवाल है, गुयाना हाइलैंड्स, अमेजॉन रिवर बेसिन, ब्राजीलियन हाइलैंड्स आएगा, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स भी ये बराबर है, जिरिको, जिंगू, अरागुआ। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया है नॉर्थ टू साउथ, ऑर्डर ऑफ प्लेटोज नॉर्थ टू साउथ, तो एक्चुअली नॉर्थ टू साउथ हमें ये ऑर्डर मिलता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक का नीचे है,
तेलंगाना भी नीचे, फिर महाराष्ट्र और आता है, महाराष्ट्र के ऊपर भी यहाँ पे मारवाड़ दिया है, तो मारवाड़ इज सबसे ऊपर है, ये देखिए मारवाड़ प्लेटो यहाँ है, इवन मालवा, मारवाड़, मारवाड़ सबसे ऊपर है, इवन और एक ऑप्शन है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से शुरू होते भी ये नॉर्थ में नहीं है, मारवाड़ और भी ऊपर है नॉर्थ में, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इफ द क्वेश्चन इज नॉर्थ टू साउथ, सारे साउथ टू नॉर्थ में ही बैठते हैं, और करेक्टली जो हमारा साउथ टू नॉर्थ का आंसर है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, आप अगर चाहिए तो आप कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड मार्क कर सकते हो, ये क्वेश्चन में एरर है, इट शुड बी साउथ टू नॉर्थ जैसा हमारा टेक्स्ट बुक में दिया गया, ये देखिए यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ, तो इसका आंसर ये आएगा। फिर नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन, तो ये वाले सवाल भी है, यहाँ देखिए ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक बेस्ड है, एक्सरसाइज में नहीं है, ये बहुत ईजी है, चैप्टर टू के सवाल है, चैप्टर टू तो सबसे ईजी चैप्टर है फील्ड विजिट के बाद, तो ये यहाँ पे देखिए इंडिया का क्या आएगा, इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल, तो ये चेन बनी पूरी, इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ऐसे। फिर सांबा, तो सांबा इज अ डांस टाइप, किसका डांस है, ब्राजील का, ऐसे। फिर थ्री के लिए क्रिकेट, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, ये थ्री से मैच किया हमने इंडिया, तो एक्चुअली आपको ये रीअरेंज करके लिखना होगा, मतलब इंडिया के बाजू में ये न्यू दिल्ली आना चाहिए और यहाँ पे कैपिटल, तो ऐसे करके हमको रीऑर्डर करना होगा उनको, सांबा के बाजू में क्या आना चाहिए, डांस फॉर्म, यहाँ सेकंड जगह पे, यहाँ पॉपुलर गेम्स की जगह डांस फॉर्म आना चाहिए और यहाँ पे ब्राजील, तो ऐसे ये सेम लाइन में इनको अरेंज करना है, मैंने यहाँ सिर्फ नंबरिंग डाला है, पर आपको आंसर क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, तो आपको टेबल को रीअरेंज करके सेकंड और थर्ड कॉलम, बी और सी कॉलम को रीअरेंज करके लिखना है, सही चेन बनानी है, पूरी लाइन सही होनी चाहिए ऐसा। फिर क्रिकेट का पॉपुलर गेम इंडिया, और लास्ट पोजिशन ऑफ लैटिट्यूड पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, वो कौन सा लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आएगा। ये भी सेकंड भी चैप्टर टू से ही है, कंप्लीट द चेन का क्वेश्चन, तो यहाँ डायरेक्शंस दिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशंस दिए, तो इंडिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, ऐसे ये एक्चुअली नॉर्थ एक्चुअली इंडिया का नहीं है, ब्राजील का दिया है, क्योंकि ये फ्रेंच गुयाना दिया, तो ब्राजील के नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना है, एंड दैट इज ओशन जो है ऊपर ब्राजील के, वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया का है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे दिया ना, ईस्ट में इंडिया के क्या है, बांग्लादेश, और ओशन कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, तो ईस्ट बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, ऐसे आएगा, साउथ श्रीलंका और साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में पाकिस्तान और अरेबियन सी, तो ये हमारा चेन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है चैप्टर फाइव का, ये चेन कंप्लीट द चेन, ये देखिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कोस्टल फॉरेस्ट है इसका आएगा, कोस्टल फॉरेस्ट का कैसे ट्रीज है, कौन सा ट्री है और कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चैप्टर फाइव में पेज 33 पे, तो ये देखिए हमारा चैप्टर फाइव का पेज 33, जैसे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो लीव्स कैसे होते हैं, ये देखिए लीव्स ब्रॉड एंड ग्रीन, हार्डवुड हैवी एंड ड्यूरेबल, और ये एग्जाम्पल्स दिए महोगनी, रोजवुड, रबर, तो यहाँ हमारा जो लिंक बैठता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में महोगनी आएगा, टू का महोगनी, और कैसा है ये ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स है ना, वैसे ही डेसिडियस, कोस्टल, थॉनी सब यहीं पे है, ये देखिए नेक्स्ट आता है डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी एग्जांपल यहाँ देखो है, टीक, बैम्बू, बानियन, बानियन एंड पीपल, और इधर क्या है, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, तो यहाँ पे यही है हमारा, ये देखिए ट्रीज शेड देयर लीव्स, तो डेसिडियस नंबर थ्री आएगा, एग्जाम्पल टीक और ट्रीज शेड देयर लीव्स, यहीं से है ना, ये एग्जाम्पल से टीक, बैम्बू, बानियन। फिर थर्ड हमारा यहाँ है थॉर्नी एंड श्रब टाइप, तो उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिया है कटेचू, एकेशिया, खेजरी, कैक्टस, और इसके लीव्स कैसे स्मॉल इन साइज, तो यहाँ पे भी वही है शॉर्ट लीव्ड ट्री, तो थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट, शॉर्ट लीव्ड, और ये खैर है ना, खैर एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे, कटेचू, एकेशिया, खेजरी एंड कैक्टस, तो खैर भी यहीं पे आता है, तो यहाँ पे ये आंसर है इसका। फिर फर्स्ट वाला जो है कोस्टल फॉरेस्ट, वो भी यहाँ दिया है, कोस्टल फॉरेस्ट का आंसर नंबर वन सुंदरी है, और यहाँ पे सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड है, वो भी यहीं पे दिया, ये देखिए हम देखेंगे कोस्टल टाइप वेजिटेशन, तो मैंग्रोव, सुंदरबंस, और यहाँ पे नीचे दिया हुआ, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, वुड ऑफ दीज ट्रीज इज ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल, तो इसके वुड जो कोस्टल ट्रीज होते हैं ऑयली, ड्यूरेबल, सॉफ्ट, ड्यूरेबल, ऑयली, ऑयली, लाइट, लाइट होते हैं एंड ड्यूरेबल, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हमारा चैप्टर फाइव से है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, पर ये चार ऑप्शन में से एक ऑड है,
मतलब तीन सही है एक गलत है, उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ये दिया है चैप्टर 5 पेज 36 से, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील। तो फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील मतलब कौन सा फॉरेस्ट ट्राइब ब्राजील में नहीं है। तो फॉरेस्ट टाइप थॉर्नियन बुशी है, एवरग्रीन है, डेसिडियस है ब्राजील में, हिमालयन फॉरेस्ट ब्राजील में नहीं है, ऑफकोर्स इंडिया में है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट ये है। एक्चुअली आपका चैप्टर 5 पेज 36 मतलब जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उधर से ये देखिए पेज 36 फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील। तो चार में से आएगा हिमालयन फॉरेस्ट ऑड मैन आउट। ये भी है विथ रेफरेंस टू इंडिया, चारों में से क्या ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, थॉर्न बुश टाइप है, थॉर्नी बुश टाइप है, इवन इक्वेटोरियल है, पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑड मैन आउट ये है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। थर्ड है फौना ऑफ ब्राजील, मतलब फौना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। तो एनिमल्स इन ब्राजील कौन सा है, एनाकोंडा ब्राजील में होता है, टैमरिन होता है, रेड पांडा होता है, लायन नहीं है ब्राजील, तो ऑड मैन आउट इज लायन। और फ्लोरा ऑफ इंडिया दियोदर, अंजन, बनियान, ये सब इंडिया में है। ऑर्किड इज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम ऐसे, तो ये ऑर्किड यहाँ पे ऑड मैन आउट है। एक्चुअली ऑर्किड होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, पर आपके ऑप्शन में फिर हमें ऑर्किड ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वही आंसर है हमारा सेम, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील में आंसर हिमालयन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये ऑड मैन आउट के सवाल है। वाइल्ड एनिमल यहाँ फ्लोरा फौना नहीं लिखा है, वाइल्ड एनिमल लिखा है फौना, तो लायन आएगा। और फ्लोरा ऑफ इंडिया में ऑड मैन आउट ऑर्किड। तो ये चैप्टर 5 पेज 36 से ही सवाल है ऑड मैन आउट। उसके बाद ये टेक्सचुअल है, मतलब एक्सरसाइज के नहीं है। ये देखिए ये है फिफ्थ क्वेश्चन, मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील। तो मेजर क्रॉप्स ऑफ ब्राजील कोकोआ, कॉफी, सोयाबीन क्रॉप्स है ब्राजील में, जवार नहीं होता, जवार महाराष्ट्र इंडिया का है। तो ये डी ऑड मैन आउट है, ये आपका चैप्टर 8 से, हम देखेंगे चैप्टर 8 पेज 54, तो क्लियरली हमें दिखेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है कॉफी, कोकोआ, रबर, सोयाबीन, ये सब ब्राजील के। ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा भी गया शायद। ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी। तो यहाँ ऑड वन आउट में जवार करेंगे हम। फिर मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट क्यों करते हैं, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर एंटरटेनमेंट नहीं पर्पस होता है मेन पर्पस। ठीक है होता है लेकिन मेन पर्पस नहीं है, तो ये ऑड वन आउट है। फिर ये भी चैप्टर 8 से, 7th ऑड वन आउट, सॉइल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड बिहार, सो सॉइल प्रोड्यूसिंग स्टेट भी टेक्स्ट बुक में दिया है चैप्टर 8 पेज 57। तो ये देखिए पेज, ये सेम चैप्टर में पेज 57 यहाँ पे देखिए, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन से है, यहाँ पे दिया है गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस बल्क ऑफ द सॉल्ट इन द कंट्री। तो तीन स्टेट्स के नाम दिए हैं। तो हमारा यहाँ सवाल जो ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे बिहार नहीं है, तो बिहार को हटा देना है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा राजस्थान में ही होता है सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट, बिहार इज द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के सवाल यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 से है। तो फॉरेस्ट टाइप और उनके ट्रीज कौन से होते हैं वो ये दिए गए हैं। ये अभी भी हमने ऊपर ही देखा था एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज है ऑलरेडी चैप्टर 5 में। तो यहीं से है ये, एवरग्रीन में आएगा फर्स्ट में पाव ब्राजील। पाव ब्राजील इज एन एवरग्रीन ट्री एंड इसकी इसी ट्री अमेजोन फॉरेस्ट का ट्री है जिसके नाम पे ब्राजील कंट्री का भी नाम आया है। तो पाव ब्राजील डेसिडियस फॉरेस्ट में आएगा टीक, है ना, टीक बैम्बू। फिर कोस्टल फॉरेस्ट में आएगा सुंदरी ट्री, है ना, मैंग्रोव्स में सुंदरी ट्री, या हमारा सेम चैप्टर है चैप्टर, है ना। फिर ये हो गया यहाँ पे देखिए यहीं पे है इस कोस्टल में मैंग्रोव, सुंदरबन, सुंदरी ट्रीज होते। और फिर आया हिमालयन फॉरेस्ट में, तो हिमालयन फॉरेस्ट में कौन सा आएगा नंबर 4 में, पाइन। पाइन ट्रीज आर फाउंड, एक्चुअली नीचे भी है, थॉर्नियन बुश टाइप वेजिटेशन में आएगा खेजड़ी, थॉर्नियन बुश टाइप खेजड़ी। और यहाँ पे नीचे और भी दिया है जैसे इंडिया का एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में, हिमालयन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे पाइन दिया है, है ना, पेज 34 पे पाइन। तो यहीं से इसके आंसर है। फिर नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है चैप्टर 4 एंड 5 दोनों से। तो यहाँ पे चैप्टर 4 क्लाइमेट और चैप्टर 5 ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो मनोस ये ऑलरेडी हमारे चैप्टर 4 में क्लाइमेट में इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉट मच डिफरेंस इन रेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो हम देखेंगे क्लाइमेट चैप्टर ये देखिए मनोस में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जैन टू डिसंबर टेम्परेचर उतना ही, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, ज्यादा डिप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पोर्टो एलिग्रो में कितना डिप ऊपर नीचे हो रहा है,
ऑलमोस्ट द सेम, इवन मनॉस एंड बेलम दोनों ऐसे ही है ना. मनॉस बेलम दोनों ये नॉर्दर्न पार्ट में है और ये सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में है. तो ये हमारा आंसर यहाँ पे मनॉस का क्या आएगा, नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर. फिर राजस्थान का आएगा नंबर टू, लो रेनफॉल रीजन. हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील का आएगा यहाँ नंबर थ्री, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड्स क्योंकि यहाँ ग्रासलैंड्स है. और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स डी का आएगा, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. तो ये हमारा मैच हो जाता है. और एक मैच है ये देखिए, तो ये कंप्लीट करके हम ये वीडियो एंड करेंगे. आगे के जो है क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे. तो यहाँ तीन है, तीन और तीन को मैच करना है. चैप्टर 9 से ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो ये ट्रांस अमेजोनियन रूट जो है ये हमारा ब्राजील में है ना. तो ब्राजील का ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है. डी से मैच होगा. रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे ये रोड ट्रांसपोर्ट है. फिर रियो डी जेनेरो इज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो ये हमारा हो जाता है. ये देखिए यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया है. दिस इज नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट्स. तो ये हाईवे है ना, पिंक कलर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. तो दिल्ली इज कनेक्टेड टू कोलकाता टू, तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है. ये देखिए आ गया तो ये चेन्नई एंड देन टू मुंबई. तो मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई चारों महानगर जो है वो ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं. सो दैट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. और इवन जो ट्रांस अमेजोनियन रूट है जो ब्राजील का, वो भी हम देख लेंगे ऊपर है, यहाँ आएगा है ना, ये ट्रांस अमेजोनियन हाईवे. तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट फॉर ब्राजील है. तो ये हमारे मैच के क्वेश्चन हो जाते हैं. सो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और स्टडी कीजिए. आगे के जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. ऑल्सो यू शुड बी अवेयर हम फ्री ऑनलाइन लाइव क्लास भी करते हैं. क्लास 10 जो महाराष्ट्र बोर्ड 2022 में दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस का प्रोविजन किया जा रहा है. तो लिमिटेड सीट्स है, आप जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए और नेक्स्ट ईयर 2022 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.